वेलकम टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। क्लियर? चलिए, तो प्रॉब्लम एनालाइज करने से पहले कुछ हम लोग फिक्स्ड मोमेंट के बारे में बात कर लें। जो अकॉर्डिंग टू पॉलिटेक्निक सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है कौन कौन से केस के लिए, कि जब हमारा पॉइंट लोड सेंटर पर लग रहा हो, जब हमारा बीम फिक्स्ड एंड हो और पॉइंट लोड सेंटर पर लग रहा हो, उस केस में फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा। उसके बाद जब हमारा पॉइंट लोड सेंटर के अलावा कहीं लग रहा हो उस केस में फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा, और जब हमारे पूरे फिक्स्ड बीम पे यूडीएल लग रहा हो उस केस में फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा। ये हम लोगों को पढ़ना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। जब हम लोग प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे तो उसमें डायरेक्ट फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि थर्ड यूनिट में हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट को कैलकुलेट करके बता चुके हैं कि किस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले को यूज किया जाएगा, फिर भी हम लोग बात कर लें ये तीन केस पे। क्लियर? तो देखिए, आपके बोर्ड पे तीन केस हैं फिक्स्ड इन मोमेंट्स। क्लियर? शॉर्ट में इसको FEMS लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस क्या है कि पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा हो, मतलब L/2 और L/2 पे, और इस केस में इस एंड पे यानी एंड ए, इस पॉइंट का नाम ए दे दें और इस पॉइंट का नाम बी दे दें, तो एंड ए पे मूवमेंट कितना होगा, एंड बी पे मूवमेंट कितना होगा। जब हम लोग फिक्स्ड इन मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट को फाइंड आउट किए थे PL/8। जब पॉइंट लोड P लग रहा हो और लेंथ उसका L हो, उस केस में जो होता था फिक्स्ड इन मूवमेंट PL/8 सिमेट्रिक केस था, तो MA और MB दोनों बराबर होता था। यहाँ भी तो लेकिन बराबर होता था, और जब हम लोग उसको डायग्राम ड्रॉ करते थे तो हॉगिंग दिखाते थे। हॉगिंग कब क्रिएट होता है, कब सिचुएशन हॉगिंग का बनता है, जब हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरह का हो, मतलब लेफ्ट एंड पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा हो, राइट एंड पे क्लॉकवाइज लग रहा हो, तभी तो ये हॉगिंग का शेप बनेगा इस तरह का। क्लियर? तो हम लोग जानते थे कि वहाँ पे हॉगिंग हो रहा है, तो डायरेक्ट जब डायग्राम ड्रॉ करते थे तो नेगेटिव में शो करते थे। क्लियर? यहाँ पे हम लोग ओवरऑल बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअली दोनों एंड्स पे मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा उस पे बात करेंगे। क्लियर? क्योंकि हमें उसी तरह से एनालाइज करना है यहाँ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। अब हम लोगों को एजम्पशन पता है कि क्लॉकवाइज को हम लोग, क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। तो लेफ्ट सपोर्ट पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा PL/8। और राइट सपोर्ट पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्या होगा, PL/8 होगा बट पॉजिटिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। चलिए, तो देख लीजिए आप MAB बार, इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फिक्स्ड इन मोमेंट्स एट ए फॉर AB। यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा था, इसका मतलब कहाँ का मोमेंट पूछ रहा है, ये सपोर्ट ए का मोमेंट पूछ रहा है। कौन से स्पेन के लिए पूछ रहा है, तो AB के लिए। ठीक है, उसी तरह से MBA बार इज इक्वल टू PL/8 है, ये B क्या है, तो मतलब मोमेंट एट सपोर्ट B फॉर स्पेन AB। क्लियर? तो आपको पता चल चुका होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोग क्यों लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो हम लोग पहले ही ड्राइव करके ला चुके हैं तो यूनिट थर्ड में फिक्स्ड बीम के चैप्टर में। क्लियर? अब सेकंड केस क्या है कि पॉइंट लोड हमारा सेंटर पर नहीं लग रहा हो, कुछ डिस्टेंस पर लग रहा हो, तो एज्यूम कर लिए कि लेफ्ट से ए डिस्टेंस पे है और राइट से बी डिस्टेंस पे है। इस केस में मोमेंट ए पे कितना होगा और बी पे कितना होगा, ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले यूनिट में, फिर भी हम लोग डायरेक्ट फार्मूले को लिख रहे हैं। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज, बस यहाँ डायरेक्शन समझना है, क्योंकि रिजल्ट मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है पहले से। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा, -PAB² / L², ये क्लॉकवाइज है तो इस केस में MBA बार इज इक्वल टू PA² / B / L² होगा। क्लियर? थर्ड केस, जब पूरे स्पेन पे UDL लग रहा हो तो फिर वही होगा कि लेफ्ट सपोर्ट पे एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा, राइट सपोर्ट पे क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, और रिजल्ट क्या होता है, WL² / 12। तो MAB बार इज इक्वल टू -WL² / 12, MBA बार इज इक्वल टू WL² / 12। क्लियर? चलिए, बस इतना ही समझना था। अब हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम को हम लोग पहले रीड करते हैं कि प्रॉब्लम कह क्या रहा है। फॉर द बीम सोन इन फिगर, ये फिगर जो है ये प्रॉब्लम में ही गिवन है। ड्रॉ PMD यानी BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शॉर्ट में हम लोग BMD लिखे हैं, यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड
एंड ऑल्सो ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम, इसको शॉर्ट में SFD लिखे हैं। क्लियर। चलिए फिगर हमारा ये है कि दो बीम है, कंटिन्यूस बीम, और इसका हम लोगों को फिक्स्ड इन मूवमेंट कैलकुलेट करना है, वो भी कौन से मेथड से, तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला काम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड इन मूवमेंट। क्लियर। मतलब दोनों जो दो बीम है यहाँ पे हमारा, दोनों बीम को इंडिविजुअली सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से, और ये मान लेंगे कि दोनों फिक्स्ड, जैसे इसके लिए चलेंगे AB के लिए तो A तो फिक्स्ड है ही, B को भी एज्यूम कर लेंगे फिक्स्ड है। जब BC के लिए चलेंगे तो B को एज्यूम कर लेंगे फिक्स्ड है, और C तो फिक्स्ड है ही, दिख रहा आपको। क्लियर। तो फिक्स्ड बीम मानते हुए, एज्यूम करते हुए, इसका हम लोग फिक्स्ड इन मूवमेंट निकाल लेंगे। AB के लिए चलेंगे तो MAB bar = जो भी होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, MBA bar = जो भी होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर MBC bar के लिए, मतलब BC स्पेन के लिए चलेंगे तो MBC bar = हमारा जितना भी आएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, MCB bar = उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फिक्स्ड इन मूवमेंट कैलकुलेट हो चुका है। सेकेंड केस में क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक टेबल बना करके, टेबल को क्रिएट करके हम लोग उस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इस ज्वाइंट के अकॉर्डिंग, मतलब बी ज्वाइंट पे जो है कैलकुलेट होगा, स्पेन BC के लिए और BA के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिजिड ज्वाइंट है ओनली B, और इस ज्वाइंट पे हमारा दो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एक BA के लिए आएगा और एक BC के लिए आएगा। क्लियर। फिर उसके बाद प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और वहाँ से फाइनल एंड मूवमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। फाइनली हमको कैलकुलेट क्या करना है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, तो फाइनल एंड मूवमेंट्स कैलकुलेट करना। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट केस क्या है, मतलब फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मूमेंट्स। चलते हैं AB के लिए चल रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं MAB bar। आप देख लीजिए AB सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा हो ना, इस केस में क्या होता है PL/8 माइनस लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट सपोर्ट पे एंटी क्लॉक वाइज, हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट सपोर्ट पे एंटी क्लॉक वाइज होता है, तो निगेटिव लेंगे। P कितना है 24 है, L कितना है इस केस में देख लीजिए 4+4 ये 8 है, डिवाइडेड बाय 8 ये कैंसिल हो गया, तो -24 किलो न्यूटन मीटर ये आ चुका है। अब MBA bar = प्लस में होगा PL/8, और इसका रिजल्ट भी उतना ही है 24 × 8 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 24 प्लस में किलो न्यूटन मीटर। बस अब चलेंगे BC के लिए, तो MBC bar = UDL के केस में क्या होता है, अभी हम बात कर चुके हैं लेफ्ट सपोर्ट पे, -WL² / 12। अब -W कितना है यहाँ 12 है, इस केस में 12 है W, 12 × अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो -W और लेंथ कितना है 4 है, तो 4² / 12 कैंसिल, तो -16 किलो न्यूटन मीटर। अब MCB bar के लिए चलेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, WL² / 12 प्लस W 12 × 4² और डिवाइडेड बाय 12, ये 12 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह से हमारा फिक्स्ड इन मूवमेंट कैलकुलेट हो चुका है। अब क्या कैलकुलेट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, आपको याद रखना है कि AB के लिए -24 आया था, BA के लिए 24 आया था, मतलब आप वीडियो भी पीछे जाके देख सकते हैं, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ यूज़ कर लेंगे। इसको मिटा रहे हैं, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जिसको शॉर्ट में DF कहते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ज्वाइंट
ये टेबल आपको याद रखना, इस तरह से ही टेबल बनेगा। मेंबर्स, उसके बाद स्टिफनेस जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, टोटल स्टिफनेस जिसको हम लोग समेशन ऑफ के से डिनोट करते हैं, और लास्ट में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता क्या है, तो के डिवाइड बाय समेशन ऑफ के, यानी स्टिफनेस डिवाइड बाय टोटल स्टिफनेस। चलिए अब इस प्रॉब्लम में जॉइंट कितना है, रिजिड जॉइंट एक ही है, बी है ओनली, तो बी से कितना मेंबर जा रहा है, दो मेंबर जा रहा है, एक बी ए और दूसरा बी सी, तो मेंबर बी ए और मेंबर बी सी, क्लियर। अब स्टिफनेस दोनों के केस में अलग अलग हम लोग पता है स्टिफनेस क्या होता है, जब हमारा फार एंड फिक्स हो उस केस में स्टिफनेस 4EI/L होता है, जब हमारा फार एंड हिंज हो उस केस में 3EI/L होता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट बी है और बी पे ही स्टिफनेस चाहिए स्पैन ए बी के लिए, तो ए हमारा फिक्स एंड है यानी फार एंड फिक्स है, तो इस केस में क्या होगा, स्टिफनेस यहाँ के वन मान लेते हैं इसको, तो 4EI/L, और एल कितना है, तो एल को अभी रहने दीजिए, 4EI तो कांस्टेंट है ही और L का लेंथ हमारा L 8 है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना EI/2, कितना ही बच रहा है K1, AB के लिए चले तो K1 मान लिए, BC के लिए चल रहे हैं तो K2 मान लेंगे, यहाँ भी उतना ही होगा क्योंकि फार एंड हमारा C है इस केस में, BC के केस में, और C फिक्स्ड है, जब फिक्स्ड है तो यहाँ भी रिजल्ट वही होता है 4EI/L, तो इसके लिए L1 मान लें, यहाँ L2 मान लें क्योंकि लेंथ अलग अलग है, 4EI तो दोनों के केस में दोनों बीम के लिए कांस्टेंट है। चलिए तो 4EI और L2 कितना है, ये हमारा क्या है, L1 इज इक्वल टू 8 मीटर और L2 इज इक्वल टू 4 मीटर, तो L2 कितना 4 है, 4 कैंसिल तो बचेगा कितना EI, क्लियर। अब टोटल स्टिफनेस क्या होगा, मतलब समेशन ऑफ K इज इक्वल टू क्या होगा, तो K1 प्लस K2, K1 कितना है, K1 है EI/2 और प्लस K2 कितना है EI, जब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 3EI/2। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फर्स्ट केस के लिए चलेंगे मेंबर AB के लिए, तो DF1 मान लेते हैं इसको, इसके लिए हो जाएगा K1 बाय समेशन ऑफ K, K1 कितना है, K1 हमारा आ चुका है EI/2 और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के 3EI/2, जब इसको सॉल्व कर EI कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहाँ से बच जाएगा 1/3। सेकेंड केस के लिए चलेंगे, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब हम निकालेंगे DF2, तो यहाँ पे हो जाएगा K2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के, K2 कितना है, K2 देख लीजिए EI है, EI और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के 3EI/2, EI कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी इस तरह से कैलकुलेट हमारा हो चुका है, DF1 कितना आ रहा है 1/3, DF2 कितना आ रहा है 2/3। चलिए अब थर्ड पॉइंट क्या है कि हम लोगों को फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको याद रखना है, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं है, 1/3 और 2/3 आ चुका है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, थर्ड पॉइंट कैलकुलेट फाइनल मोमेंट्स, जो कि हमारा रिजल्ट होगा वही हमको फाइनली कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब विदाउट लोडिंग, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये हमारा जॉइंट है, इसे लाइनिंग ड्रॉ कर दें, ये लाइनिंग ड्रॉ कर दें, और ये क्या है, जॉइंट है, बस ये प्रॉब्लम को शो कर लेना बिना लोडिंग के, ये पॉइंट का नाम क्या है A है, इस पॉइंट का नाम क्या है बी है, और इस पॉइंट का नाम सी है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना था 1/3,
ए बी के लिए कितना आ रहा था के, मतलब डी एफ वन वन बाई थ्री, और बी सी के लिए डी एफ टू कितना आ रहा था टू बाई थ्री। क्लियर? बस इस बॉक्स में उसको शो कर देना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ यूज हो गया। अब हमें फिक्स्ड इन मूवमेंट्स हम लोग कैलकुलेट किए थे, एम ए बी बार यहाँ लिखेंगे क्योंकि फिक्स्ड मूवमेंट्स एट ए फॉर स्पेन ए बी, तो ये कितना आ रहा था याद है आपको कुछ? पी एल बाई एट था ना, 24 आ रहा था, माइनस 24, तो ये प्लस 24, यहाँ माइनस 16 आ रहा था और प्लस 16। क्लियर? और इसका नाम यहाँ लिख दें फिक्स्ड इन मूवमेंट्स, राइट साइड में ये क्या है तो फिक्स्ड इन मूवमेंट्स है। 16 आ रहा था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, डब्ल्यू 4 16। ठीक, चलिए अब सेकेंड केस क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस करते हैं। ध्यान दीजिएगा बैलेंस करने के लिए, बैलेंस का मतलब, बैलेंस कहाँ पे किया जाता है? बैलेंस हमेशा याद रखिएगा कि रिजिड ज्वाइंट पे किया जाता है। रिजिड ज्वाइंट कहते हैं किसको, जहाँ मेंबर हमारा मोर देन वन आके मीट कर रहा हो, मिल रहा हो, उस ज्वाइंट को ही रिजिड ज्वाइंट कहते हैं। और रिजिड ज्वाइंट पे ही हम लोग बैलेंस करते हैं मूवमेंट को। तो यहाँ पे दो स्पैन है तो एक ही रिजिड ज्वाइंट है बी। अगर मान लीजिए एक स्पैन और ऐड हो जाता सी और डी, तो रिजिड ज्वाइंट सी भी हो जाता उस केस में। फिलहाल अभी यहाँ पे एक ही रिजिड ज्वाइंट है बी। अब बी पे हमको बैलेंस करना, बैलेंस का मतलब कि ओवरऑल जो मोमेंट आ रहा है उसको फाइनली जीरो के बराबर होना चाहिए। तो जब इस दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों बी ज्वाइंट पे ही मोमेंट है, एक बी ए के केस के लिए है और एक बी सी के केस के लिए है, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे 24 प्लस माइनस 16, ये रिजल्ट पूरा माइनस में है, माइनस 16, तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 आएगा। क्लियर? अब इसको हमको क्या करना है, जीरो करना है, तो माइनस 8 से ऐड कर देंगे, तो 8 प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो अब माइनस 8 जो आ रहा है वो दोनों ज्वाइंट के, मतलब ज्वाइंट बी पे ही हो रहा है बट दोनों स्पैन के लिए हो रहा है, ए बी के लिए भी और बी सी के लिए भी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? तो इस मतलब बी ज्वाइंट पे स्पैन बी ए के लिए कितना हो जाएगा, तो माइनस 8 इंटू 1/3, बी ए के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1/3 ही है ना, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 8/3, तो बच जाएगा हमारा माइनस 2.67 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, इसके लिए कितना हो जाएगा, तो 2 by माइनस 8 into 2 by 3। अब कैलकुलेट करके देखना नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं सॉल्व करके, मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको, माइनस 16/3, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5.33, इतना ही होगा ना। चलिए सही है, बस यही बैलेंस करना था। और यहाँ लिख दीजिए सामने में बैलेंसिंग मोमेंट, ठीक है। अब इसको आप एक लाइनिंग ड्रॉ कर दीजिए, ये प्रोसेस है सॉल्व करने का। अब इसको क्या करना है, कैरी ओवर मोमेंट करना है। तो ये हमारा जो मोमेंट है ये एक अप्लाइंग मोमेंट की तरफ बिहेव करेगा, और कैरी मोमेंट कितना होता है, सॉरी कैरी ओवर मोमेंट कितना होता है, जो अप्लाइंग मोमेंट उसका हाफ होता है जब हमारा फिक्स्ड एंड हो तब। अगर हमारा हिंज एंड होगा, मतलब हिंज सपोर्ट होगा, उस केस में क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर? तो ये इसको कैरी ओवर मोमेंट कर दीजिए, तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कितना होगा, माइनस 2.67। इसका कैरी ओवर मोमेंट माइनस 1.33, ये क्या हो गया, कैरी ओवर मोमेंट। बस अब ये हमारा फाइनल मोमेंट कैलकुलेट हो चुका है। अब ये जो रिजल्ट आएगा इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो रहा है, माइनस 25.33। इस दोनों को जब 24 माइनस इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 21.33 प्लस में, और इस दोनों को ऐड कीजिए, 16 प्लस 5 माइनस 21.33, और इस दोनों को माइनस कीजिए, 16 में 2 जाएगा 14, मतलब 13.33। ठीक है, यही है ना, ये हमारा फाइनल मोमेंट्स है। इसी को कैलकुलेट करना है इस मेथड से, जो एनालाइज करेंगे हम लोग तो यही फाइंड आउट करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में इस मेथड को
मतलब तुरंत, अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, तो आप सॉल्व कीजिएगा तुरंत आपका, मतलब एक मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा, इतना कम टाइम लगता है। और याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा कि अब ये पूछ सकते हैं आप कि ये कितने स्टेप तक प्रोसेस करेंगे, जब हमारा रिजिड ज्वाइंट एक ही हो उस केस में एक ही स्टेप तक, जितना हम किए हैं बस इतना ही करना है, क्लियर। जब हमारा रिजिड ज्वाइंट एक और हो जाता, यानी कि एक मेंबर यहाँ और ऐड हो जाता तो रिजिड ज्वाइंट सी भी हो जाता, तो जब दो रिजिड ज्वाइंट हो जाता उस केस में हम दो स्टेप तक या थ्री स्टेप तक कर सकते हैं, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान मेथड है, आसानी से समझिए, एकदम कंसंट्रेट होके समझिए, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। बस आपको क्रॉस चेक करना है कि ज्वाइंट जहाँ पे है रिजिड ज्वाइंट उस पर जब दो मोमेंट आ रहा है तो दोनों मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस एक का साइन दूसरे के साइन से अपोजिट होगा, बस यही याद रखना, ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड जितना आ रहा है वही मैग्नीट्यूड का बगल में भी होगा, मतलब साइड में भी होगा, क्लियर। चलिए ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं करना है, इस मोमेंट को याद रखिए और बेंडिंग मोमेंट को डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, चलिए देखिए अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कैसे होगा। हाँ, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले, जैसे हम लोग करते थे कंटिन्यूस बीम में, फिक्स्ड मोमेंट में, कि इंडिविजुअल बीम को सिंपली सपोर्टेड मानते हुए इसका क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये तो एक फाइनल मोमेंट है, ये तो ड्रॉ होगा ही, फिर इंडिविजुअल बीम का हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिस तरह से हम लोग फिक्स्ड बीम में कंटिन्यूस बीम में करते थे। तो चलते हैं, फोर स्पैन ए बी, ए बी के लिए जब चलेंगे सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है कितना, 24 किलो न्यूटन। ये हमारा रिएक्शन आर ए है और ये आर बी है, क्लियर। ये लेंथ कितना है तो 8 मीटर है, निकाल लीजिए। ऐसे भी सेंटर पे जब पॉइंट लोड होता है तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, डब्ल्यू एल बाई 4। इस पॉइंट का नाम दे दें डी, इसके सेंटर का, और इसके सेंटर का नाम दे दें ई, ठीक है। तो बेंडिंग पहले आर ए निकाल लेते हैं, आर ए कितना हो जाएगा, सिमेट्रिक केस है तो हाफ हो जाएगा 24 का, 12 किलो न्यूटन, और ये भी 12 किलो न्यूटन, और ये हमारा पॉइंट डी है, तो मोमेंट एट डी कितना हो जाएगा, आर ए इंटू, ये पूरा 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, तो आर ए इंटू 4, बस यही होगा क्योंकि डी पॉइंट पे ही निकाल रहे हैं। आर ए कितना है, 12 है इंटू 4, 48 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका बी एम डी ड्रॉ कर लीजिए, इसका बी एम डी हो जाएगा, ये रिजल्ट ये है 48 किलो न्यूटन मीटर, ये बी एम डी फॉर ए बी, ठीक है। अब चलेंगे हम फॉर स्पैन, फोर स्पैन बी सी के लिए, बी सी के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे इसका, पहले बी एम डी यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा आर बी और ये है आर सी, पूरे पे यू डी एल लग रहा है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर इतना ही लग रहा है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी सेंटर इसका ई माने हुए हैं, पॉइंट ई, तो एम ई कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, W कितना है तो 12 है, L कितना है, ये 4 मीटर है, 4 ही है ना, हाँ 4 है, सॉरी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 नहीं होता है, मिस कर गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, ठीक है। तो W 12 हो गया और L कितना है, 4 का स्क्वायर बाई 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 24 किलो न्यूटन मीटर। 24 किलो न्यूटन मीटर हमारा निकल चुका है इस केस में। अब इसका डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे कर लें ड्रॉ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पाराबोलिक होगा क्योंकि यूडीएल है, तो 24 किलो न्यूटन मीटर, बस ये क्या है, बी एम डी फोर बी सी। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस लाइन पहले दिखा दें,
ये कितना है, इसके लिए ए बी के लिए 48 है। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो रहा है, पैराबोलिक बन रहा है ये। चलिए ये रिजल्ट कितना है, तो ये हमारा है 24 किलो न्यूटन मीटर, और ये रिजल्ट कितना था, ये था हमारा 48 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए, अब हमको ये वाला जो फाइनल मोमेंट आया है ना, इसको ड्रॉ करना है। तो पॉइंट ए पे कितना आ रहा है, -25.33। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग पहले फर्स्ट स्पेन के लिए चलेंगे, फिर सेकंड स्पेन के लिए खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हम लोगों का साइन कन्वेंशन यही है कि जब हम लेफ्ट पे हमारा अगर नेगेटिव आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, तो उसको हम लोग ऊपर शो करेंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर शो करेंगे। अगर वही पॉजिटिव आ जाएगा तो रेफरेंस लाइन के नीचे शो करेंगे लेफ्ट सपोर्ट पे। अगर उसी बीम में राइट सपोर्ट पे नेगेटिव आ रहा है तो नीचे शो करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर शो करेंगे। जस्ट उल्टा है, बस यही याद रखना कि यहाँ नेगेटिव था तो ऊपर शो करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर शो करेंगे। क्लियर, बस ये याद रखना है। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो नीचे शो होगा, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर नीचे शो होगा। कोई दिक्कत, उसी तरह से जिस तरह से साइन कन्वेंशन इसके लिए बिहेव कर रहा है, उसी तरह से इस बीम के लिए करेगा। क्लियर, चलिए देखते हैं हम लोग। तो नेगेटिव है -25.33, ये ऊपर शो होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं शो दिखा देता हूँ आपको, ये कितना है 25.33 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आइए बी पॉइंट पे कितना है, ये 21.33 प्लस में है, कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। दिखा दीजिए यहाँ 21.33, जब इसके लिए चलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। अब इसको भूल जाइए, अब उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से यहाँ पे बिहेव कर रहा था स्पेन ए बी के लिए। तो ये नेगेटिव है तो कहाँ शो करेगा, इसी पॉइंट पे शो करेगा, और उतना ही मैग्नीट्यूड है। क्लियर, अब राइट सपोर्ट पे देखिए, ये पॉजिटिव है तो कहाँ शो करेगा, ये भी ऊपर शो करेगा 13.33। बस ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। और लोग का साइन कन्वेंशन अपोजिट हो सकता है, जस्ट इससे अपोजिट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उल्टा भी साइन कन्वेंशन मान सकते हैं। बस डायग्राम क्या होगा कि ऊपर बना रहे तो नीचे हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए इसको मिला देते हैं, ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट पे ऑलवेज हॉगिंग होता है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव सपोर्ट है, और ये वाला भी जो है ये भी नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव सेंटर पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बीएमडी ड्रॉ हो चुका है। अब क्या कैलकुलेट करना है प्रॉब्लम में, कैलकुलेट आल्सो एंड आल्सो ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग रिएक्शन को ड्रॉ मतलब कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हमारा शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट रिएक्शंस। रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आया पहले, हम इस जो हमारा फिगर है उस पर दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यानी हॉगिंग हो रहा है। हॉगिंग का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, या इस केस में ये हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। कितना आ रहा है, 25.33 किलो न्यूटन मीटर। अब इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, 21.33। इस केस के लिए ये होगा हॉगिंग का सेफ, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है 21.33। इस केस के लिए बी सी स्पेन के लिए हॉगिंग का साइन ये होगा लेफ्ट सपोर्ट पे, और मैग्नीट्यूड भी यहाँ 21.33 ही है किलो न्यूटन मीटर। सपोर्ट सी पे ये होगा डायरेक्शन 13.33 किलो न्यूटन मीटर। बस यही इंपॉर्टेंट है, ये आपका अगर सही सही डायरेक्शन यहाँ पुट हो चुका है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा रिएक्शन निकालने में। जब हमारा रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगा तो उसी तरह से शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिस तरह से हम लोग कंटिन्यूस बीम में करते आ रहे हैं और फिक्स्ड बीम में। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं।
चलते हैं फोर स्पैन ए बी। ए बी के लिए जब चल रहे हैं रिएक्शन निकाल लें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लें। ये हमारा आर ए हो जाएगा और ये आर बी वन हो जाएगा। इसके सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है कितना, 24 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे मोमेंट लग रहा है 25.33 और इस पे मोमेंट लग रहा है 21.33। ये 4 मीटर डिस्टेंस है और ये भी 4 मीटर डिस्टेंस है, और तो कुछ नहीं है। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। चलिए तो रिएक्शन निकालते, समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू जीरो, यानी टेकिंग मोमेंट अबाउट बी फ्रॉम ए, ठीक है। तो आर ए इंटू ये डिस्टेंस बी के अबाउट ले रहे हैं, तो आर ए ये पूरा डिस्टेंस 8, ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो रहा है, तो ये 25.33 एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 25.33। फिर 24 के कारण एंटी क्लॉकवाइज होगा, 24 इंटू 4, और ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, तो प्लस 21.33। और तो कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी लोड नहीं है जिसके कारण मूवमेंट डेवलप करेगा, नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे आर ए आ जाएगा हमारा 12.5 किलो न्यूटन, ये हमारा आर ए आ जाएगा 12.5 किलो न्यूटन। चलिए वेरी गुड, आर ए इतना आ चुका है। अब मैं आर सी निकाल लूँ, आर सी निकालने के लिए चलते हैं फोर स्पैन बी सी। बी सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, ये यू डी एल है, यहाँ पे हम आर बी 2 हो जाएगा, ये आर सी, इस पर यू डी एल लग रहा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ मोमेंट लग रहा है 21.33 किलो न्यूटन मीटर, और इस पर मोमेंट लग रहा है 13.33 किलो न्यूटन मीटर। चलिए अब मोमेंट लेते हैं, मोमेंट अबाउट बी फ्रॉम सी, समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू जीरो। एंटी क्लॉकवाइज आर सी के कारण क्या, और एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस होगा, माइनस आर सी इंटू ये लेंथ 4 मीटर है, तो आर सी इंटू 4, क्लियर। फिर ये डायरेक्शन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा 13.33। फिर इसके कारण यूडीएल के कारण ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा 12 इंटू 4, ये पॉइंट लोड हो गया, और इसको मोमेंट लेंगे तो 4/2। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है मोमेंट, तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस 21.33 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आर सी हमारा आ रहा है 22 किलो न्यूटन, क्लियर। आर सी हमारा 22 किलो न्यूटन आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब आर सी निकाल चुके हैं, आर ए निकाल चुके हैं, तो आर बी भी निकाल लें। आर बी निकालने के लिए मैं यहीं पर निकालता हूँ, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। आर ए कितना आया यहाँ पर लिख दें, ये हमारा आर ए है 12.5, ये हो जाएगा आर बी और ये हो जाएगा आर सी। आर सी कितना आया, 22 किलो न्यूटन, 22 किलो न्यूटन। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ देख लीजिए आर ए प्लस आर बी अपवर्ड क्या होगा, अगर साइन ले रहे हैं अपवर्ड को तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो, सॉरी अगर अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी और माइनस 24 और माइनस 12 इंटू 4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे आर ए और आर सी का रिजल्ट पुट करेंगे इसमें, तो आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा 37.5 किलो न्यूटन, 37.5 किलो न्यूटन। चलिए जब इतना आ चुका है, आर ए आर बी और आर सी सब हमारा आ चुका है, तो अब हम लोग क्या करें, शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ कर लें, कर लेते हैं। चलिए शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले चलेंगे हम स्पैन ए डी के लिए, तो यहाँ सेक्शन कट करते हैं। ये सेक्शन है हमारा एक्स एक्स, कितने डिस्टेंस पे है सपोर्ट ए से, एक्स डिस्टेंस पे कर लेते हैं। चलते हैं फोर स्पैन ए डी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो ये रिएक्शन है आर ए और इस पर कुछ भी लोड नहीं लग रहा है, मोमेंट लेंगे नहीं क्योंकि शेयर फोर्स निकाल रहे हैं। ये सेक्शन हमारा एक्स एक्स है और ये डिस्टेंस एक्स है, ये पॉइंट ए है।
तो शेयर फोर्स अबाउट एक्सएक्स जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन कन्वेंशन आपको याद होगा शेयर फोर्स का, अपवर्ड अगर लेफ्ट से चल रहे हैं अपवर्ड ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, और राइट से चल रहे हैं और डाउनवर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर अपवर्ड लेंगे राइट से तो नेगेटिव होगा, और लेफ्ट से डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन हम लोग बात कर चुके हैं पिछले यूनिट में, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आर ए प्लस आर ए। आर ए का रिजल्ट कितना है तो 12.5 किलो न्यूटन। ये पूरा टर्म जो है ये कांस्टेंट है, कौन से स्पैन के लिए, तो एडी के लिए। तो एडी तक क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, वो भी रेफरेंस लाइन से ऊपर। क्यों ऊपर बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग फोर स्पैन डीबी के लिए। जब डीबी के लिए चलेंगे तो सेक्शन यहाँ कट कर रहे हैं और ये डिस्टेंस हमारा एक्स है। क्लियर। और ये सेक्शन एक्स एक्स है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हॉज पॉज है, तो आप यहाँ देख लीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम एकदम साफ साफ क्लियर है। यहाँ ये हमारा एक्स एक्स है, ये पॉइंट लोड लग रहा है 24 किलो न्यूटन का, ये डिस्टेंस सपोर्ट ए से एक्स है, ये रिएक्शन हमारा आर ए है, ये पॉइंट ए है, और ये लेंथ जो है जहाँ पे लोड लग रहा है सपोर्ट ए से 4 मीटर पे, और तो कुछ नहीं है। इस पॉइंट का नाम डी है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखें शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स फोर स्पैन डी वी, तो क्या हो जाएगा, जितना भी रिएक्शन है विथ साइन इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो आर ए हो गया प्लस डाउनवर्ड माइनस 24, और तो कुछ भी नहीं है। आर ए कितना आ रहा है, आर ए 12.5 है, 12.5 माइनस 24, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 11.5। क्लियर। ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि ये भी एक रेक्टेंगल बनाएगा 11.5 मैग्नीट्यूड का, बट नेगेटिव है तो नीचे बनाएगा रेफरेंस लाइन के। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं बीसी के लिए। तो बीसी में एक ही सेक्शन कंसीडर होगा, ये सेक्शन मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, कि ये एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट ए और इस सेक्शन का नाम एक्स एक्स है। तो चलते हैं यहाँ पे फोर स्पैन बीसी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। ये है आर ए, ये है आर बी, और यहाँ सेक्शन है एक्स एक्स, इस पर यू डी एल लग रहा है, पूरा लेंथ ये 8 मीटर है, इसके सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है 24 किलो न्यूटन का, और ये लेंथ पूरा एक्स है। तो ये लेंथ कितना, जब ये पूरा एक्स है ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 8, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम शेयर फोर्स का इक्वेशन। शेयर फोर्स का इक्वेशन एट एक्स एक्स क्या लिखेंगे, आर ए, यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी, शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स क्या लिखेंगे, आर ए, आर ए को डायरेक्ट लिख देते हैं 12.5 माइनस 24। ठीक है, उसके बाद प्लस आर बी, अपवर्ड है, आर बी कितना है 37.5, फिर ये यू डी एल है तो ये माइनस हो जाएगा, 12 किलो न्यूटन का यू डी एल है, तो इनटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है यू डी एल, तो एक्स माइनस 8। बस जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए 12.5 में माइनस 24 जाएगा तो 11 माइनस 11.5 बच रहा है, और इसमें 37 में इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 26 माइनस 12 एक्स, एक्स माइनस 8, इतना ही बच रहा है। चलिए अब हम लोग शेयर फोर्स एट बी और सी निकाल लें, तो यहाँ निकाल लेते हैं वेन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 8, तो शेयर फोर्स एट बी कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे जब हम पुट करेंगे एक्स के जगह प्लेस पे 8, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये 26 हो जाएगा किलो न्यूटन। वेन एक्स इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 और प्लस 4 12, तो शेयर फोर्स एट सी, तो ये आ जाएगा हमारा 26 माइनस
12 इंटू 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 मतलब 26 माइनस 12 इंटू 4 48, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है माइनस 22 किलो न्यूटन। देख लीजिए जो शेयर फोर्स एट सी आ रहा है और हमारा आर सी दोनों सेम मैग्नीट्यूड है 22 22, इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही है, क्रॉस चेक यही करना है। अब ये आप ध्यान दीजिए कि सपोर्ट बी पे जो आ रहा है वो 26 प्लस में आ रहा है और सपोर्ट सी पे जो आ रहा है वो माइनस 22 आ रहा है, यानी कि शेयर फोर्स कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है। अब वो कहाँ जीरो होगा तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। कैसे देखेंगे कि जो और जनरल इक्वेशन है शेयर फोर्स का उसको हम लोग जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो जनरल इक्वेशन यही है 26 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कीजिए, 12x और ये 96, 12 इंटू 8 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब सॉल्व होगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96 प्लस 26 तो ये 122 आ जाएगा, 122 डिवाइडेड बाई 12 ये आ जाएगा 10.10 और 10.16, इसी के लमसम आएगा इतना मीटर। ये कहाँ से आ रहा है तो ये ए पॉइंट से 10.16 पे क्या हो रहा है, शेयर फोर्स जीरो हो रहा है। और ये पूरा लेंथ कितना है, पूरा 8 है तो 10 यहाँ तक होगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10.16 माइनस 8 तो ये आ जाएगा 2.16। क्लियर, ये वाला डिस्टेंस तो 2.16 पे जीरो हो रहा है बी सपोर्ट से। क्लियर, चलिए तो ये जो हमारा काम करेगा ये डायग्राम ड्रॉ करने में काम करेगा। अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं शेयर फोर्स का डायग्राम, देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। जिस तरह से हम लोग कंटिन्यूस बीम में किए थे वही उसी तरह से यहाँ भी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने मतलब कैलकुलेट करने में, ड्रॉ करने में नहीं। ये रेफरेंस लाइन है। अब शेयर फोर्स एट ए कितना आया है, ये ए के लिए ही निकाले थे 12.5, सॉरी ये सब भी लाइन ड्रॉ करना होगा, ये भी तो इसको सेंटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ए पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12.5 किलो न्यूटन। थ्रू आउट क्या हो रहा है, 12.5 ए से लेकर के 8D तक कांस्टेंट है, मतलब एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, अब फिर डी से लेकर के बी तक कितना बन रहा है, डी से बी के लिए -11.5 यानी हम नीचे जाएंगे और 11.5 मैग्नीट्यूड का ये रिजल्ट बनेगा। ये कितना है तो 11.5, ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब आइए बी सी के लिए, तो बी सी में बी कितना आ रहा है 26 प्लस में, यहाँ दिखा दीजिए आप 26 किलो न्यूटन, और सी पे कितना आ रहा है 22 माइनस में, तो ये माइनस नीचे जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसको लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो है वो 2.16 है, मतलब सेंटर से ज़्यादा है, सेंटर तो इसका 2 ही होगा क्योंकि पूरा लेंथ 4 है तो 4 का हाफ 2 होगा, तो 2.16 सॉरी ये डिस्टेंस 2.16 नहीं है, मतलब जहाँ शेयर फोर्स जीरो हो रहा है वो 2.16 है। ठीक है, तो शेयर फोर्स यहाँ जीरो हो रहा है 2.16 पे, अब इसको मिला दीजिए तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हैचिंग कर दीजिए, तो इस तरह से हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट हो चुका है। थैंक यू।